धोखे से कभी एक तो भगवत अपराध ना करें, ध्यान दीजिए शब्द पर, धोखे से कभी भगवत अपराध ना करें, और कदापि भूल में अगर भगवत अपराध हो जाए तो कोई बात नहीं, पर कभी भी भूल कर भी विभक्त का अपराध ना करें। धोखे से कभी भगवत अपराध ना करें, कदापि भूल बस हो जाए तो कोई बात नहीं, पर भूल से भी कभी भी भक्त अपराध ना होने पाए, वरना भगवत अपराध होगा तो भगवान कहते हम तुम्हें छोड़ देंगे, पर भक्त अपराध होगा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, भगवत अपराध पर भगवान छोड़ देते हैं, पर भक्त के अपराध पर भगवान छोड़ते नहीं। रामायण में गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सोई जन। जो अपराध भक्त का करता है उसे राम रोष रूपी अग्नि में जलना पड़ता है। किसमें? राम रोष रूपी अग्नि में जलना पड़ता। रावण ने राम जी का विरोध किया, भगवान ने कुछ जवाब नहीं दिया, पर भगवान की परम भक्ति मता श्री जानकी जी है, जब परम भक्ति मता श्री जानकी जी का अपराध किया तब राम जी ने रावण का विनाश किया। ध्यान दीजिएगा, भगवान कब रोष में आते हैं? जब किसी भक्त का अपराध कोई व्यक्ति कर देता है, भक्त का अपराध ना होने पाए। अपराध तो जानते ना, अपराध जानते हैं आप? अपराध का मतलब है कोई उदंडता, कोई ऐसा कृत्य जिससे भक्त की भावना को ठेस पहुंचे। वो किसी का भी हो, किसी भी भगवान का हो, ठाकुर जी का हो, राम जी का हो, भगवती माँ का हो, ठकुरानी का हो, किसी गुरु का हो, भक्त भक्त होता है। ध्यान दीजिए महानुभाव, भगवान का अपराध एक घड़ी चल जाएगा पर भक्त का अपराध नहीं चलेगा। और जिसने भी भक्तों का अपराध किया भगवान ने छोड़ा नहीं। कल की कथा में हम आप सुन रहे थे इसी विषय पर, कल समय कम बचा था चूंकि इसलिए कथा को स्पर्श पर किया था। गोवर्धन लीला की कथा श्री ठाकुर जी की हमें जीवन में सिखाती है कि कभी भी हमें भक्त का अपराध नहीं करना। राजा इंद्र ने भगवान का तो अपराध किया, साथ ही साथ ब्रजवासियों का भी अपराध किया, ब्रज पर कोप किया, मूसलाधार बारिश गिराई, तो भगवान को क्या करना पड़ा? भगवान को लीला करनी पड़ी। इंद्र, तुम अपने आप को इंद्र समझते हो पर तुम्हें यह खबर नहीं कि हमने ही तुम्हें बनाया है। और भगवान गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर, कनिष्ठ अंगुली पर उठा करके ठाकुर जी लीला करते हैं। एक बात और, कई बार हम आप बिना जाने भी अपराध कर बैठते हैं, बिना जाने भी अपराध कर बैठते हैं। किसी के बारे में आपको पता ना हो, फलाना कैसा है, ढिकाना कैसा है, वो साधु कैसा है, वो महापुरुष कैसा है, तो आपको बोलना नहीं चाहिए, वरना आपके पुण्य नष्ट होंगे। जो आपने सुकृत कर्म किए वो नष्ट होंगे। और कभी भी किसी बुद्ध पुरुष की, महापुरुष की निंदा भी नहीं सुननी चाहिए। हम नहीं कहते, रामायण कहती, हमने आपको समझाया था, हरि हर निंदा सुनई जो काना हो ही पाप गौ घात समान। भगवान श्री हरि विष्णु, हरि यानी महादेव, इनकी जो निंदा करता है या सुनता है उसे गो हत्या बराबर पाप भोगना पड़ता। कितना?
एक गौ को मारने बराबर पाप भोगना पड़ता। मेरी प्रार्थना है व्यासपीठ से, आप कभी भी जिसके बारे में जानते नहीं, जिसको समझा नहीं, जिसको देखा नहीं, उसकी निंदा मत करो। बाकी जगत का काम कहना है, जब तक मरोगे नहीं तब तक निंदा निश्चित है। निंदा अगर हो रही तो समझो आप जिंदा हो। निंदा उसी की होती जो जिंदा है, जो मर गया उसकी क्या निंदा। तो कोई निंदा कर रहा तो सुनो मत, या तो यथोचित जवाब दो अथवा चुप हो जाओ। वरना बुरी दुर्गति होती निंदा करने वालों की। ध्यान दीजिए महानुभाव, जब तक आप जिएंगे तब तक लोग आपको ताने देते रहेंगे। आप भजन नहीं करोगे तो वेद ताने देंगे कि तू मनुष्य का तन व्यर्थ में खो रहा। रामायण देगी आपको ताना, क्या बड़े भाग मानस तन पाबा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गाबा। भागवत आपको ताना देगा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा, दुर्लभम मानुषम जनम तदप दुर्वर्थदम। भागवत भी ताना देगा, रामायण भी ताना देगी, गीता भी आपको ताना देगी। और अगर आप भजन करोगे तो ये कुछ असामाजिक तत्व भी आपको ताना देंगे। बड़े पुजारी बन गए आजकल, बड़ी माला खिसकाने लगे, खूब चंदन लगाने लगे, हैं? बड़े संतों का संग करने लगे, कहीं ऐसा ना हो बाबा ना बन जाओ। लो अब इनसे बात करो। लोगों को बाबाओं से चिंता नहीं है, बाबा सत्कर्म का प्रचार की, महात्मा सत्कर्म का प्रचार क्यों कर रहे, इससे टेंशन है। ध्यान दीजिएगा, जगत कुछ कहे तो कहने दो, आपके नैना अगर माधव से लड़ जाए तो प्रीति बढ़ाते रहो। हाँ, जगत कुछ बोले तो बोलने दो। मैं आपको इस बात पे कथा सुनाऊं साधु। एक बार एक राजा था, उसकी धर्म पत्नी रानी, राजा की पत्नी स्वभाववश रानी होगी। तो राजा और रानी दोनों एक घोड़ी पर बैठकर महाराज गए घूमने के लिए। अब देखना संसार कितना विचित्र। घूमने के लिए निकले तो एक चौराहे से निकले, तो चौराहे पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, दो चार आपस में बात कर रहे थे एकांत में। एक व्यक्ति खड़ा था, चार जहां पर खड़े हुए तो वहां पहुंचा, बोले अरे राम राम राम, देखो तो ये आदमी कितना ढीठ है, छोटी सी घोड़ी और दोनों बैठे हुए हैं। राजा के कान में ये बात पहुंच गई। राजा ने मन में सोचा, अरे बात तो ये सही कह रहा, घोड़ी छोटी है, हम दोनों बैठे हैं, गड़बड़ बात है। राजा ने कहा, रानी एक काम करो, तुम बैठी रहो, मैं पैदल चलता हूं। राजा ने घोड़ी की लगाम पकड़ी, पैदल चलने लगा। उनकी धर्म पत्नी रानी घोड़ी पर बैठी रही। आगे पहुंचे तो एक कुछ पनिहार ने पानी भर करके मटका लिए जा रही थी। तो आपस में बात करती हुई देखी, अरे राम 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 राम, बताओ तो क्या जमाना आ गया, पति को पैदल चला रही, खुद घोड़ी पर बैठी है। रानी ने कहा, महाराज हमारी तो बेइज्जती करवा दी आपने। बोले क्यों? बोले देखो ये औरतें क्या कर रही है कि खुद घोड़ी पर बैठी, पति को पैदल चलवा रही। तो बोले करें क्या? बोले महाराज एक काम करो, आप घोड़ी पर बैठो, मैं पैदल चलती हूं। राजा ने कहा ठीक है। राजा घोड़ी पर बैठ गया, रानी पैदल चलने लगी घोड़ी पकड़ के। आगे फिर चौराहे पर पहुंचे तो दो लोग आपस में बात कर रहे थे। बोले राम 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 राम, बताओ तो क्या जमाना आ गया, खुद ऊंट जैसा घोड़ी पर बैठा, सुकुमार सी पत्नी को पैदल चला रहा। राजा ने कहा, रानी तुमने तो हमारी बदनामी करवा दी, हा? देखो लोग क्या कह रहे हैं। रानी बोली तो क्या करना चाहिए? बोले काम करो, ना तुम बैठे ना हम, दोनों पैदल चलते हैं। दोनों पैदल गए तो फिर एक रास्ते में आदमी मिल गया। बोले भाई साहब घोड़ी है तो पैदल क्यों चल रहे, बताओ क्या जमाना, घोड़ी साथ लिए पर पैदल जा रहे हैं। राजा ने कहा, रानी ये संसार है, पैदल चलो तब भी जीने नहीं देता, बैठकर जाओ तब भी जीने नहीं देता, एक बैठे तब भी जीने नहीं देता। मानो कहना चाहते हैं ये संसार है, जब तक जियोगे तब तक निंदा करेगा, इसलिए बिना सुने हुए अपना जीवन जीते रहो, संसार का काम कहना है। आपने माला ले ली साहब, माला मत छोड़ो। महाराज माला को मत छोड़िए, आपने ठाकुर के गीत गा लिए बस हो गया काम। आप भजन करो, संसार की रीति में मत पड़ो। जगत का काम है ये, जब तक कहता रहेगा जब तक आपके प्राण रहेंगे। और जिस दिन आप फूंक दिए जाओगे, राम नाम सत्य कह दिया जाएगा, उस दिन के बाद कोई नहीं कहेगा।